Hello, very good morning everyone. This is Ali Adnan with you, Assistant Professor, Simmel Group of Institutions. So today's topic which I have selected for the discussion of today is segmentation. Actually, the topic is STP, that is segmentation, targeting and positioning. But today I will deal with only segmentation. That what is segmentation all about? So as per the definition, that segmentation is all about dividing the population, dividing the group into homogeneous group, dividing the population into homogeneous group. दैट इसकी जो भी पॉपुलेशन हमारा है तो सारे लोग एक ही जैसे नहीं होते हैं, तो हमको डिवाइड करना एक तरह से बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम उनकी सारी बातों को समझ पाएंगे. तो अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन, दैट सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इंटू होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसा, तभी जाके हम उसको स्टडी कर पाएंगे, उसको बेहतर समझ पाएंगे. अब है कि हमको ये समझना है कि सेगमेंटेशन कितने तरीके का होता है और किस किस पैरामीटर्स पे सेगमेंटेशन किया जाता है. तो जाहिर सी बात है कि एक कहावत है कि हर 12 कोस पे वाणी बदल जाती है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो दैट इज़ कि बोलने का जो लहजा है, जो लैंग्वेज है, वो हर 12 कोस पे, ऐसा एक कहावत चलती है हमारे हिंदुस्तान में. तो अगर 12 कोस पे वाणी बदल रही है, इसका मतलब है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बदल रहा होगा, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा होगा, वो सारी चीज़ बदल जाती होगी. तो इसलिए सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने जो अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, राइट, उनको एक इसमें सेगमेंट में हम उनको पहले डिवाइड करें, उसके बाद फिर उनकी बातों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. अगर उस सेगमेंट को हम समझ गए, उस टारगेट ऑडियंस को हम समझ गए, तो फिर मेरे लिए सारी मार्केटिंग का जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने में सुविधा होगी, आसानी होगी समझने के लिए. तो सेगमेंटेशन का मोस्टली जो हम लोग पढ़ते हैं वो 4 टाइप्स है. द फर्स्ट वन हैपेंस टू बी डेमोग्राफिक सेगमेंट. तो डेमोग्राफिक सेगमेंट जो होता है कि डेमोग्राफी के हिसाब से उसको हम सेगमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को. तो इस डेमोग्राफिक सेगमेंट का कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंट हैपेंस टू बी एज. हम एज के आधार पे पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं. एज फॉर एग्जांपल 0 से 10 ईयर, 10 ईयर से 20 ईयर्स, 20 ईयर्स से 30 ईयर्स, एज, अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं. तो सारे एज ग्रुप को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को, तो एज है साहब. सेकेंड हैपेंस टू बी, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इज जेंडर, कि जेंडर में मेल है, फीमेल है, और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हो रही है वो ट्रांसजेंडर की भी है, राइट. तो सभी ये 3 जेंडर को लेकर के बाइफर्केट होगा जेंडर हिसाब से. उसके बाद आपका इनकम लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लोगों की कमाई एक जैसी नहीं होती है. दैट इज़ कि हर स्टेट का पर कैपिटा इनकम एक जैसा नहीं होता है. तो हमको इनकम के हिसाब से सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसका क्या इनकम है उसी हिसाब से फिर हम अपने आगे की एक्टिविटी मार्केटिंग की परफॉर्म कर सके. अलग नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंट हैपेंस टू बी लेवल ऑफ एजुकेशन. तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन में हम लोग लिटरेसी रेट को लेते हैं, राइट. तो लिटरेसी रेट सभी जगह का एक जैसा नहीं है. जैसे केरला का 99% लिटरेसी रेट, लेकिन बिहार का 99% नहीं है, राइट. तो लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, किस जगह का है, उसी हिसाब से फिर हम अपने एक्टिविटी को उधर डायरेक्ट करते हैं. उसके बाद आपका है रिलीजन. तो रिलीजन हैपेंस टू बी द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिलीजन लाइफस्टाइल से भी होता है, रिलीजन जीने का तरीका है, राइट. एक अलग अलग रिलीजन के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अलग अलग जिंदगी में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस हिसाब से फिर हम प्रोडक्ट को और सर्विस को डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद फिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोफेशन. तो प्रोफेशन में या रोल इन अ कंपनी, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो सभी लोग एक ही जैसा काम नहीं करते हैं. अलग अलग काम, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग व्यापार है, ठीक. तो ये सारी चीज़ें थी, ये जो कंपोनेंट है आपका, एज है, जेंडर है, इनकम है, एजुकेशन है, रिलीजन है, राइट, प्रोफेशन है, ये सारा कंपोनेंट जो है वो आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, राइट. नेक्स्ट सेगमेंट हैपेंस टू बी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो फॉलो आपका फोकस करता है ऑन द कस्टमर्स पर्सनैलिटी, कि कस्टमर क्या पर्सनैलिटी और क्या इंटरेस्ट है. तो पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट में इसके कंपोनेंट्स क्या क्या डिसाइड हुए. तो फर्स्ट वन हैपेंस टू बी पर्सनालिटी ट्रेट्स. सेकेंड इज हॉबीज, क्या क्या हॉबी है. थर्ड वन हैपेंस टू बी लाइफ गोल्स. सबका गोल अलग अलग होता है, सबका ट्रेट अलग होता है, सबका हॉबीज अलग होती है, सबका वैल्यू सिस्टम अलग होता है. तो फोर्थ कंपोनेंट हैपेंस टू बी वैल्यूज, क्या वैल्यूज है अलग अलग लोगों का. नेक्स्ट कंपोनेंट हैपेंस टू बी बिलीफ. सबका बिलीव अलग होता है, मुख्तलिफ है, राइट, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, राइट. इंडिया में जितने तरह का, जितना डाइवर्सिटी है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है. तो सबका बिलीफ भी अलग हो सकता है, थॉट प्रोसेस अलग है,
ठीक है, उसके बाद लाइफस्टाइल आता है, तो सभी का लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं है, दैट इज कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इस 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इतना बड़ा इंडिया है, राइट, दैट इज 132 करोड़, तो सभी का लाइफस्टाइल अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है, राइट, चूंकि अलग है इसलिए अलग अलग डिवाइड करके हम फिर उन लोगों को समझते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को समझते हैं, उनके इंक्लिनेशन को समझते हैं, उनके रुझाव को समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मार्केटिंग की एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो सेगमेंटेशन जो है, एक बात बोलना बहुत ज़रूरी है कि जैसे समंदर में लाइट हाउस होता है, तो लाइट हाउस इज ऑल अबाउट कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि जितनी भी शिप जो चलती है, तो सेगमेंटेशन का जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, जो सर्वे है, राइट, वो एक तरह का लाइट हाउस है सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, उसी डायरेक्शन में फिर वो अपनी टाइम को, एफर्ट को इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कि बेहतर रिजल्ट अचीव हो सके। फाइन, नेक्स्ट सेगमेंटेशन हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन एज फ्रॉम द नेम इज सजेस्ट कि किस एरिया में क्या क्या अलग अलग जो लोग रहते हैं, किस ज्योग्राफी में रहते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का, दैट इज की कंट्री है, आपका रीजन है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका सिटी है, आपका पोस्टल कोड है, ठीक है, अलग अलग इस टॉपिक पे पूरे पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, राइट। तो ज्योग्राफिक में आपका कंट्री या देश आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है, शहर आ जाएगा, कस्बा आ जाएगा, जितना जो आपका कॉलोनी भी हम कर सकते हैं, या पोस्टल कोड ज़्यादा बेहतर इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी कोड है उस हिसाब से हमने सेगमेंट कर लिया, राइट, उसके बाद फिर हम उनको स्टडी करते हैं। फाइन, फोर्थ वन इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो बिहेवियरल मीन्स कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हर जगह के लोग एक जैसा, उनका बिहेवियरल एक्टिविटी नहीं होती है, तो बिहेवियरल में जो कंपोनेंट्स है, दैट हैपेंस टू बी स्पेंडिंग हैबिट, उनके खर्च करने का हैबिट क्या है, उनका परचेजिंग हैबिट्स, परचेजिंग हैबिट्स किस तरह से वो उनका बिहेवियर है परचेजिंग हैबिट्स में, ब्राउजिंग हैबिट्स किस तरह से ब्राउज करते हैं, जैसे हम नेट ब्राउज कर रहे हैं सारा चीज़, तो ब्राउजिंग हैबिट्स किस तरह से वो इनटेक लेते हैं। उसके बाद है आपका इंटरेक्शन विद द ब्रांड्स। तो इंटरेक्शन विद द ब्रांड्स इज ऑल अबाउट कि किसी हर ब्रांड्स को लेकर के उनका क्या इंटरेक्शन है और क्या एटीट्यूड डेवलप है, राइट, उस हिसाब से फिर हम उसको सेगमेंट करते हैं। एंड द लास्ट वन हैपेंस टू बी लॉयल्टी टू ब्रांड। तो लॉयल्टी इज ऑल अबाउट वी कैन से दैट रिपीट परचेज। तो कितनी लॉयल्टी किस सेगमेंट में है, किस जगह के लोग में है, किस रीजन के लोगों में है, किस तरह की लॉयल्टी है, उसी हिसाब से फिर हम आगे की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। अगर रिपीट परचेज है, इसका मतलब लॉयल्टी है, दोबारा उसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो लॉयल्टी अगर है तो फिर हम उस तरह से अपनी एक्टिविटी को डिसाइड करेंगे। अगर लॉयल्टी नहीं है तो फिर हमको ज़्यादा इनोवेशन और ज़्यादा हर चीज़ को बदलना होगा, तब्दील करना होगा, तभी जाकर हमारा टाइम और एफर्ट सही डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये तो आपका फोर टाइप्स है जो शुरू से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, राइट। लेकिन अभी नया नया आपका जो वर्टिकल डेवलप हुआ है, तो एक अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सेगमेंटेशन जो अभी शामिल हुआ है, दैट इज टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये जो टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन है, तो अगेन द वर्ड इटसेल्फ दैट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अलग अलग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वक्त के साथ, तो कौन सी टेक्नोलॉजी किनकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रही है, उस हिसाब से सेगमेंट करते हैं, या कितने लोग किस टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं, इंक्लाइंड है, राइट। अलग अलग टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज है। एक टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवॉल्व हुआ है, शामिल हुआ है सेगमेंटेशन में। तो आई थिंक सेगमेंटेशन को लेके आज के लिए दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, राइट। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एसटीपी का टॉपिक है, दैट इज सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग ऑल अबाउट। पहले सेगमेंट कर लेंगे हम लोग जो भी पॉपुलेशन है, दैट इज की अगर बिहार की बात करें तो 15 करोड़, तो पूरे 15 करोड़ और 38 डिस्ट्रिक्ट, उसमें अलग अलग जगह पे लोग हैं, उनका किस तरह से बिहेवियर है, किस तरह से लाइफस्टाइल है, क्या कमाई का जरिया है, कितनी कमाई है, क्या एज ग्रुप है, ठीक है, कितना जेंडर है, क्या एजुकेशन है, सब सारी चीज पे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तभी जाकर के हमको बेहतर बातें समझ में आती है, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो विथ टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। थैंक यू वेरी मच।